अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड। आज हम बनाएंगे मसूर पुलाव। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके इन्ग्रीडियंट्स देखते हैं। तो ये देखिए, ये अखा मसूर है, पाव किलो के करीब है। इसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगा दिया था। आधा किलो कीमा है और इसमें मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची और एक टमाटर पीस के रखा है। और ये दही है, एक टमाटर है, प्याज का बिरिस्ता है, पुदीना और तीन मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक काट ली है और ये खड़े गरम मसाले। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कुकर को मैंने चढ़ा दिया है गैस पर। हम कीमा जो है इसका कुकर में बनाएंगे। और मैंने डेढ़ कप के करीब तेल इसमें डाल दिया है। तेल हमारा जो है वो गर्म हो गया है। तो अब हम खड़े मसाले डालेंगे। इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च लेंगे और दो इलायची लेंगे, थोड़ी सी कबाब चीनी, सिया ज़ीरा और दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज़पत्ता, थोड़ा बादियान का फूल और सफ़ेद जीरा। इसके साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। अब गैस फास्ट कर लेंगे और प्याज को जो है हम हल्का ब्राउन करेंगे मुसलसल चलाते हुए। देखिए, प्याज हमारी ब्राउन हो रही है तो हम इसमें टमाटर जो हमने काट कर रखा था वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से प्याज के साथ। अब इसके बाद हम ऐड कर देंगे कीमा। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कीमा जो है प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर पानी सूखने तक इसे पकने देंगे। हम नमक ऐड कर देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिए। साथ ही जो हमने दही फेंट कर रखा था वो भी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस जो अब हम फास्ट कर देंगे। दही की वजह से कीमे में थोड़ा पानी हो जाएगा तो इसी पानी में जो है ये कीमा जो अच्छे से गल जाएगा। हम गैस को फास्ट करके इसका पानी पूरी तरीके से सुखाएंगे। उसके बाद हम इसमें पुदीना ऐड कर देंगे। ये मेरा लगभग एक कटोरी पुदीना है। इसके साथ में हम इसे अच्छे से पकने देंगे। इस तरह से आप मसूर पुलाव बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च और टमाटर जो हमने पीस कर रखा था वो। इसको भी हम कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब जब तक पानी इसका पूरी तरीके से सूख नहीं जाता हम इसे पकने देंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे ये अखे मसूर की दाल। ये देखिए, थोड़ी सी दाल जो है ये मैंने बचा ली है। मैं भी आगे बताती हूँ आपको इसका क्या करना है। तो ये दाल को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर मैं सूखे मसाले ऐड कर दूँगी, जिसमें है धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर। इसे मिक्स कर दूँगी अच्छे से। इसमें मैं थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर भी डालूँगी क्योंकि जब ये चावल के साथ मिक्स होगा तो थोड़ा तीखा हमें चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ी लाल मिर्ची एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर और इसमें एक कप पानी डालेंगे, आधा गिलास पानी डालेंगे और फिर इसे एक विसल आने तक पकने देंगे। चावल बघारने के लिए मैंने एक पतीले में तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे थोड़े से,
काली मिर्च, सिया जीरा और दालचीनी। मसाला तड़क गया, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो मैंने 3 कप चावल लिया है और पानी उसको मैंने 10 मिनट पहले भिगा दिया था। अब मैं इसमें 4 कप पानी डाली हूँ। अब नमक ऐड कर देंगे। और जब चावल में उबाल आ जाए सॉरी पानी में उबाल आ जाएगा तो हम चावल डाल देंगे। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो इसकी गैस जो है वो ख़त्म हो गई है। अब हम इसको खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और दाल भी हमारी अच्छे से गल गई है। दाल हमारी गली है लेकिन इसमें मिक्स नहीं हुई है, ये देखिए। अब हम इसमें ये हरी मिर्ची, मैंने इसको अच्छे से धो लिया है डंडी के साथ है, इसमें मैं डालकर इसके ऊपर थोड़ा कीमा डाल दूंगी ताकि ये पूरी तरह से नरम ना हो लेकिन इसमें मिर्ची की खुशबू आ जाए। अब हम वापस से ढकना बंद कर साइड में रख देते हैं। चावल हम देख लेते हैं। ये देखिए चावल भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा चावल एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने आधा चावल निकाल लिया है। अब इस तरह से बाकी के बचे हुए चावल को मैं इस तरह बराबर कर लूँगी। इसके बाद इसमें मैं जो कीमा हमने बना कर रखा है वो डालूँगी। इस तरह से कीमा हम फैला कर डालेंगे ताकि हर जगह बराबर से कीमे की जो एक परत जम जाए। इस तरह से मैंने कीमा सब जगह बराबर कर दिया। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी कोथमीर डालेंगे कटी हुई, थोड़ा सा पुदीना, इसके बाद बचा हुआ चावल डाल देंगे। ये देखिए चावल को मैंने बराबर कर दिया। वापस से हम इसमें पका हुआ कीमा डालेंगे। देखिए मैंने कीमा अच्छे से बराबर हर जगह से उसकी परत जैसी बना ली है। अब जो हमने बिरिस्ता बनाकर रखा था वो बिरिस्ता भी इसके ऊपर हम डाल देंगे। इसके बाद ये मैंने थोड़ी सी जो मसूर की दाल बचा कर रखी थी इसको बस इसी तरह तेल में हम फास्ट गैस पर तलेंगे ताकि ये अच्छे से, आप आवाज़ सुनिए, बिल्कुल अच्छे से कड़क हो जाएगी। तो ये डाल देंगे ऊपर, इसकी भी परत हम बना लेंगे। इसके बाद मैंने 3 अंडा जो है वो बॉईल कर लिया था, उसका इस तरह से सर्कल काट लिया था। आपको जो शेप में काटना है आप वो शेप में काट सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको भी हम अंडे से गार्निश कर देंगे। मैंने तवा पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। नहीं, अब इसके ऊपर हम पतीला रख देंगे, इसको ढक देंगे और 5 मिनट के लिए गैस बिल्कुल स्लो करके इसे दम लगाएंगे। हम इसको देखते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा हमारा मसूर पुलाव बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए चावल भी बिल्कुल हमारा खिला खिला है और परत भी बिल्कुल अच्छे से बनी हुई है। ये देखिए
आपको परत दिखाई दे रही होगी। तो ये देखिए हमारा मसूर पुलाव जो है बनकर तैयार हो गया है। इस रेसिपी से आप भी इसे बनाइए, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इसका जायका भी बहुत ही अच्छा है। तो इस रेसिपी से आप ज़रूर ट्राई करिए और आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी हमें कमेंट में बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अब अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।